हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप लोग सही होगे, मस्त होगे। तो आपका स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग होने वाला है, हम लोग जाने वाले हैं, मतलब मैं और मेरा टीम जो कि फॉरेनर्स है, वो लोग जा रहे हैं। हम लोग जाएंगे स्काई ब्रिज, केबल कार से भी जाएंगे और आपको स्काई ब्रिज दिखाएंगे और उसके बारे भी आपको बताएंगे। पहले तो हम जा रहे हैं थोड़ा स्कूटी बुक करने, मेन एरिया जो मार्केट या वॉकिंग स्ट्रीट है वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से मिलेगा मुझे स्कूटी। अभी मैं जा रहा हूँ चेनांग एरिया। अगर आप यहाँ लंकावी में रुकेंगे तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप रुके चेनांग एरिया के आसपास या चेनांग मेन एरिया में, क्योंकि यहाँ पे आपको शॉपिंग के लिए और फूड हो गया, शॉपिंग हो गया और बीचेस, चेनांग बीच है जो मेन, ये सब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब मतलब लंकावी का मेन एरिया बोल सकते हैं, सिटी टाइप का। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप लोग यही एरिया के आसपास रहे, चेनांग एरिया सबसे मेन एरिया है यहाँ का। तो दोस्तों अभी बज गए हैं 9 और थोड़ा ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं, कुछ खाया नहीं है। ब्रेड ऐसे है मेरे पास बन, तो वही खाते हैं और उसके बाद फिर बीच एरिया आपको दिखा देता है अभी, क्योंकि अभी मौसम बढ़िया है। बाद में कुछ भी हो जाता है, मतलब यहाँ पे मॉडरेट टाइप क्लाइमेट है, कभी भी पानी आ जाता है, कभी भी धूप हो जाता है, कभी बादल आ जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो अभी अच्छा मौसम है बोल के अभी दिखा देते हैं आपको यहाँ का जो बीच है, चेनांग बीच। तो चलिए, तो ये जो बीच एरिया है लेफ्ट साइड में, वो आता है आपका स्टेट ऑफ मलाका में। और ये बीच बेसिकली दो बीच के नाम से भी है, अगर इधर थोड़ा पहले साइड में, इधर नीचे साइड साउथ साइड में सेंट्रल बीच बोलते हैं और जो नॉर्थ साइड रहता है वो उसको बोलते हैं चेनांग बीच। तो अभी एक A1 करके है जो सप्लाई करते हैं ये रेंटल बाइक या फिर स्कूटी, तो अभी वही जा रहे हैं आगे में। और मेरा ये मोरक्को दोस्त कॉल किया व्हाट्सएप में, बोल रहा है कि अरे करो जल्दी, चलना है घूमने वाले। तो वही करने जा रहे हैं, दिन का शुरुआत जल्दी करते हैं क्योंकि आज ही का दिन है हम लोग के पास पूरा घूमने के लिए। तो आज ही सब घुमा देगा आपको एकदम चकाचक मस्त, स्टार्टिंग करेंगे स्काई ब्रिज से और आपका वही रोपवे से जाएंगे। तो अभी ऐसा कुछ स्ट्रीट है खाली खाली, एक डॉगी लोगों का इलाका है। अरे पप्पा भागो यहाँ से, ये देखिए छोटा सा प्यारा सा कार, या बहुत अलग अलग टाइप का कार दिखा आपको, क्वेश्चन मार्क जैसा वाला एक है, वो बहुत चल रहा है यहाँ पे। और सुबह जल्दी शॉप नहीं खुला है क्योंकि रात तक लेट तक खुला रहता है ना खोल के, और यहाँ नाइट भी लेट से होता है और सुबह भी लेट से ही होता है। शॉप्स है ये सब खुल गए हैं, बहुत चलता है यामाहा का और होंडा का। तो भाई साहब चलो देखो, यहाँ बिल्ली बहुत सारा है, लेकिन जहाँ देखो बिल्ली चल दिख रहा है, ये देखिए अभी भी बिल्ली है, काला काला सफ़ेद वाला। ये पूरा आइलैंड ही ड्यूटी फ्री आइलैंड है, तो आपको जहाँ भी शॉप्स दिख रहे हैं वहाँ लिखा रहेगा ड्यूटी फ्री। तो देखिए भाई, और यहीं पर कल शाम में आपको दिखाए थे जो स्ट्रीट फूड यहाँ का, मलेशिया का फूड ट्रक, सब स्ट्रीट फूड ट्रक। तो ये यहाँ लगता है ये पूरा एरिया में, अभी कुछ नहीं है, खाली है। चलते हैं भाई साहब, यहाँ पूरा खुल गया है दुकान सब सुबह सुबह, बेसिकली ये टूरिस्ट एरिया ना, तो सुबह से ही घूमने स्टार्ट कर देते हैं जो टूरिस्ट लोग आते हैं, तो इसलिए खोल के रखा हुआ है। ओहो मैगनम, 3 रिंगेट का की चेन या फिर आप बोल सकते हैं फ्रिज मैग्नेट से मिल रहा है। तो ये खा रहे हैं ब्रेड बन, जैम है, स्ट्रॉबेरी लिखा था, हाँ जैम है बेसिकली, स्ट्रॉबेरी वाला जैम। तो ये साइड में है आपका बीच, चेनांग बीच और सेंट्रल, ये कुछ स्ट्रीट एरिया है, एकदम साफ सफाई एकदम है, एक भी गंदा नहीं दिख रहा होगा, सो सकते हैं आप ऐसा है। तो अभी पहुंच चुके हैं हम जो स्कूटी रेंट वाला ये शॉप है, उसका नाम है A1 सुपर डुपर स्कूटी रेंट शॉप। तो अभी पहुंच चुके हैं, दिखाते हैं ये कहाँ, यहाँ से स्कूटी मिल जाएगा अपने को और इसके रिव्यूज अच्छे हैं। चला रहे स्कूटी, मुझे ये पड़ गया कितना 30 रिंगेट्स का और 50 रिंगेट्स डिपॉजिट किए थे, तो बहुत बढ़िया लगा।
बहुत मस्त है यार, मजा आ रहा है इस रास्ते में चलाने का, मजा ही कुछ और है। बहुत मजा आ रहा है यार, बहुत मजा आ रहा है, बहुत सही लग रहा है, मजा आ रहा है। रास्ते में चकाचक क्योंकि एक बात अपना इंडिया टाइप का उबड़ खाबड़ नहीं है। हम चलते हैं स्काई ब्रिज, आई एम कमिंग। इससे पहले जाएंगे भाई अपना मोरक्को दोस्त के पास, उसको बैठा के ले जाना है, तो हम कंट्रीब्यूट करके अलग स्कूटी लिए। फिलहाल हम पैसा दे दिए है लेकिन उससे ले लेंगे। तो लेट्स गो। साहब क्या व्यू है यार, गाड़ी चलाने में तो मज़ा ही कुछ और आ रहा है। घर के लोग गाड़ी तो मस्त है, एक हादसे भी मस्त चल रहा है। मेरा ला स्कूटी तो बहुत ढीला रहता है, स्टीयरिंग मस्त जैसे चलेगा चलेगा, हाथ छोड़ के भी चला सकते हैं जो कि करेंगे नहीं। यहाँ का नज़ारा देखिए दोस्तों, बहुत मस्त नज़ारा है। अभी जा रहे हैं हम स्मिथ हाउस करके, एक होटल है, तो वहाँ से हमको मोरक्को वाला दोस्त को पिक करना है। ऐसा लग रहा है कि ऊबर वाला बन गया तो तो दोस्तों यहाँ का रास्ता देखते रहिए, अगर खाने वाने मिले रेस्टोरेंट सब है। ये एक हाथ से चला रहे भाई यार, ऐसा रूल एंड रेगुलेशन मस्त है ना, मस्त लाइन से इधर आ जाओ, कार में बजाने दो और फिर मजा से चलाओ यार, मज़ा आ गया। बहुत सही है, जस्ट लेफ्ट साइड में एयरपोर्ट है, आपका भी एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो भाई साहब ये रहा द स्मिथ हाउस, बहुत एकदम क्या बताए, हाई फाई होटल लग रहा है। और ये चौक जैसे चौक है एक तरह का। सो यहाँ से आ रहा है मेरा मोरक्को वाला दोस्त, और पीछे BMW का मस्त वाला कार दिख रहा है गाइस, वेट कर रहे हैं। तो अभी लेके डायरेक्ट जाएंगे एकदम स्पीड में स्काई ब्रिज, और वहाँ एक्सप्लोर करते हैं स्काई ब्रिज। गर्मी बहुत लग रहा है, बहुत ज़्यादा जलने वाला गर्मी है, काला हो जाएंगे, टैन हो जाएंगे, समझ गए हम। तो ये स्कूटी रेंट की है, ये 30 रिंगेट का है और 50 रिंगेट डिपॉजिट लगता है, पहले ही बता दिए। सो अराउंड 530 रुपीज़ या 550 रुपीज़ जैसा ये स्कूटी मिल जाएगा आपको यहाँ पे रेंट में। आ रहा है मेरा मोरक्को फ्रेंड ये देखिए I think left. Oh, पहुंच गए दोस्तों यहाँ पे स्काई कैब, क्योंकि ब्रिज देखो छोटा सा। सो आ गए हम लोग केबल कार स्काई कैब के पास, और इधर से टिकट मिलेगा। सो चलते हैं, ये कुछ ऐसे इंट्रेंस है, यहाँ स्काई कैब लिखा हुआ है, ओरिएंटल विलेज स्काई कैब। तो चलो यार, यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स भी है, कपड़ों का दुकान है, देखिए ऐसे है वर्ल्ड स्टीपेस्ट। सो देखते कहाँ ये मिलेगा अपने को टिकट। तो यहाँ पे बहुत सारे शोज भी होते हैं, 3D आर्ट शो, फिर केबल कार है आपका, और एक आपका स्काई ब्रिज है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अभी जा रहे हैं टिकट लेने और देखते कितना प्राइस होगा। और यहाँ वॉशरूम का 0.50 रिंगेट्स लेते हैं। जय नाम का देखिए हेलो चलो टिकट लेते भाई, कहाँ से मिलेगा। ओ माय गॉड कितना भीड़ है यार, बहुत ज़्यादा भीड़ है।
सो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको प्राइस सब दिखा दिया है। यहाँ पे अलग अलग पैकेज है, उसका अलग अलग प्राइस है और इसमें दो प्राइस दिया गया है, देख सकते हैं आप। एक मलेशियन पीपल लोगों के लिए, लोकल लोगों के लिए, और एक इंटरनेशनल के लिए। सो यहाँ टाइमिंग भी है आपका, प्राइसिंग भी है, तो आप अपने हिसाब से बुक कर सकते हैं और आप क्लूक के थ्रू भी बुक कर सकते हैं और जा सकते हैं। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत भीड़ है यार यहाँ पे कार में जाने के लिए। अरे हाय, हम लोग को एक्सप्रेस लाइन से भेज रहे हैं। ये रहा गोंडोला, पिंकल केबल स्काई कैब या स्काई कार बोल सकते हैं। ऐसे लगा रहता है लाइन सब रेड रेड में। तो ये वाला में जाएंगे हम लोग दोस्तों स्टैंडर्ड। ये यहाँ से ऐसे करके जाना है। लेट्स गो। ये ऐसे आए अलग। अरे बहुत भयानक ऊंचा है ये स्काई ब्रिज वहाँ पे। सो ये एक लेवल में आके हम लोग रुके हैं और यहाँ से व्यू देखिए भाई, एक नंबर, वाह। तो अभी हम लोग यहाँ पे प्राइस पूछने जा रहे हैं, वेलकम टू इगन लैश स्काई वॉक। और यहाँ से जो व्यू आ रहा है, वाह क्या दिख रहा है यार, ये नाइस व्यू। यहाँ का ब्लू ब्लू स्काई और वहाँ पे स्काई ब्रिज, अभी जाएंगे वहाँ पे भी। फिलहाल तो यहाँ टिकट काउंटर है। हेयर हेयर। तो भाई जो ये कैब था स्काई कैब, वो वन ऑफ द स्टीपेस्ट कैब है जो कि यहाँ पे है। यहाँ देखिए लाइन लगा हुआ है। वी हैव टू स्टैंड हियर। ये वाला कैब लेके जाना है हम लोग को। तो यहाँ पे दो लेवल में है स्काई कैब। एक आपको यहाँ ये वाला एरिया छोड़ता है जहाँ से आप स्काई वॉक जा सकते हैं, जो ईगल वाला है। यहाँ से एक और है कैब जो कि जाता है स्काई ब्रिज। तो यहाँ से जो रास्ता ये वाला नीचे जा रहा है, ये वॉशरूम के लिए है, तो जिनको जाना रहेगा तो यहाँ से जा सकते हैं। और यहाँ का स्काई ब्लू ब्लू दिख रहा है, वाह। तो यहाँ पे कुछ ऐसे फोटो खींच दे रहे हैं सबका और पता नहीं कितना में दे रहे हैं। और यहाँ पे अपना केबल कार फॉर स्काई ब्रिज, तो इसके बाद जाना है हम लोग को। फाइनली बहुत ही है जाएंगे ऊपर। This one is sky glide. Yes. Yeah. We have to be 16 for this. Otherwise walk. Natural walk. So I will walk. तो यहाँ पे देखिए इतना सारा sky cap सब आ रहा है। और यहाँ पे हमें walk करके जाना है वहाँ पे sky bridge है। No, sky glide. Oh, sky bridge. हाँ, हम लोग को जाना है वहाँ। Then we will go that side ना, sky bridge. So ऐसे करके walk करके जाना है हम लोग को। बहुत नीचे वहाँ देख रहे भी जा रहा है। बढ़िया जगह है यार, लगा नहीं था कि इतना बढ़िया होगा। खैर यहाँ पे अच्छा सीढ़ी बना दिया है अच्छा खासा, तो जा सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं।
यहाँ पे हाइकिंग चल रहा है। ये यहाँ नेचुरल फाइनली पहुँच गए स्काई ब्रिज और बहुत अच्छा नज़ारा। ये सो ये रहा स्काई ब्रिज। सो दोस्तों ये है लॉन्गेस्ट कर्व हैंगिंग ब्रिज इन द वर्ल्ड, जो कि आप देख के ही पता लगा सकते हैं कितना ही अच्छा। और यहाँ से जो सीन आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सुंदर सा व्यू आपको दिख रहा होगा। सो दोस्तों अगर आप लंका भी आ रहे हैं तो जरूर से आप स्काई ब्रिज जाइए, क्योंकि ये मस्ट विजिट प्लेस है। बहुत ही सुंदर अच्छा, और आपको ऐसा ब्रिज कहीं दिखने के लिए भी नहीं मिलेगा। एक कर्व लॉन्गेस्ट ब्रिज जो कि देख सकते हैं बहुत ही सुंदर। तो भाई कितना नीचे है आप लोग देख लो यार, बहुत भयानक नीचे है। वहाँ भी जा सकते हैं आप, टावर है। तो ये हम लोग दूसरे और आ गए ब्रिज पार करके। लेट्स सी क्या है यहाँ पे। सो ये ब्रिज के बारे पूरा इंफॉर्मेशन है। लॉन्गेस्ट कर्व ब्रिज ऐसे बनाया गया है, फोटोज है यहाँ पे, यू कैन सी। सो बीच में जो रॉड ये आप देख रहे होगे, ये वाला बीच में जिसमें ये जुड़ा हुआ है सब तरफ से ब्रिज, तो ये हेलीकॉप्टर से रखा गया है यहाँ पे दिया गया है। मेहनत लगा बहुत इसको बनाने में। ये बेसिकली जो स्काई ब्रिज है वो कंप्लीट हो गया था 2004 में, लेकिन ऑफिशियली ओपन हुआ 2005 में। सो इसका जो लंबाई है टोटल है 2.2 किलोमीटर्स, और ये इसका जो हाइट है वो है 125 मीटर्स। बहुत मुश्किल से बना है ये ब्रिज, हेलीकॉप्टर से इसका मेन बेस रखा गया है। हाँ यहाँ से व्यू देखिए भाई, वहाँ पे एकदम मस्त आइलैंड है बहुत सारा छोटा 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 छोटा। तो वहाँ से केबल लेके हम लोग यहाँ आए। इट्स मूविंग ना। यस। सो घूम लिए हम लोग भाई साहब, अभी वापस जा रहे हैं। फिर से केबल पकड़े कर नीचे जाएंगे। नीचे जाने वक्त तो बहुत डेंजरस डर लगेगा। सही सही। तो आ चुके हैं केबल कार का राइड लेके और स्काई ब्रिज लेके नीचे। तो यहाँ पे थोड़ा देखते हैं क्या क्या चीज़ है और दिखाते हैं आपको भी क्या हम घूम सकते हैं कि नहीं, आपको क्या क्या चीज़ मिल सकता है आपको यहाँ पे। सो यहाँ देखिए भाई, कलरफुल एकदम बिल्डिंग्स बनाए हैं एक जगह में, बढ़िया लग रहा है। बच्चे भी बहुत सुंदर है। यहाँ पे पता नहीं क्या मिल रहा है। ये जगह देखिए कितना अच्छा, दैट साइड आई थिंक वी हैव टू गो दैट साइड। यहाँ का व्यू देखिए यार, बहुत मस्त लग रहा है। हाँ शॉप से बहुत महंगा रहेगा, लेकिन देखिए ये बिल्डिंग्स देखिए। स्काई डोम भी है लेकिन अभी मेंटेनेंस में है। मेरा फोटो बुक, यू कैन टेक फोटो, प्यारा प्यारा सा। यहाँ शॉप्स भी है। ओ यहाँ आइसक्रीम मिल रहा है। सो यहाँ पे है 3D आर्ट। देखते हैं एंट्रेंस टिकट है या फिर नहीं। जो अभी जिनको दिखा रहे थे सिडनी से थे। हमारा जो केबल कार था उसी में साथ में
सेम गोंडाला से आ रहे थे। हेलो, सो ये रहा 3D आर्ट अंकावी, देखते हैं भाई फ्री है या पैसा लगेगा। सब फोटो सब खींच रहे हैं लोग और एक मेमोरी के तौर पे फोटो दे रहे हैं हार्ड कॉपी में, तो इसका भी पैसा ही ले रहे हैं, तो कोई वर्थ इट नहीं है। हम लोग ऐसे फ़ोन में खींच रहे हैं। ये रहा टाइमिंग, प्रोजेक्शन मैपिंग शो, एक शो होता है यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से एंट्री मारते इल्यूजन लग रहा है पूरा, इल्यूजन टाइप। सो यार द 3D पिक्चर, लेट्स कम इनसाइड। ओ अरे यार, पूरा लग रहा पानी ही नहीं मैं क्या। देखिए सस्ते यार टर्टल सब दिए। टेढ़ी लग रहा है यार सही में, छोटी से बच्ची। तो ये रहा यहाँ पे, अगर खड़ा रहेंगे तो 3D में लगेगा आपको। हाय, मेक वीडियो, ओके आई विल डू लाइक दैट। भाई यहाँ पे फोटो वोटो खिंचा लिए ना, चलते हैं आप इधर। तो भाई सर यहाँ पे है मस्त मस्त 3D में। डिफरेंट पॉइंट, यहाँ ईगल है, यहाँ पे पोलर बियर है। तो दोस्तों 3D आर्ट लंका भी बहुत मस्त था, मज़ा आया, ज़रूर से आप आए। वहाँ पर मैपिंग शो एक चलता है, वो भी बहुत अच्छा था, बढ़िया था, मज़ा आ गया देख के। तो अभी चलते हैं हम लोग वापस, जाते हैं एक लंच करेंगे या फिर बीच एक है वहाँ एक्सप्लोर करेंगे। तो देखते हैं कौन सा पहले हम लोग करना चाहेंगे। बीच है वो बगल में ही है यहाँ से थोड़ी दूर में, आपको केबल कार से तो दिख रहा होगा ब्लू ब्लू पानी, बस उसी का एक बीच है। तो वहाँ जाके थोड़ा खेलते हैं और वीडियो बनाते हैं, इसके बाद फिर हम लोग लंच करने जाएंगे। तो यहाँ देखिए दिस वन इज ऑल्सो गुड, और यहाँ पे एक ब्रिज है, चलते हैं। हिल रहा है। दैट ब्रिज इज ऑल्सो गुड, अच्छा दिख रहा है भाई ये वाला भी। यहाँ पे बस सर्विस नंदन बस का, बढ़िया यार सही है।
तो एग्जिट मारते हैं दोस्तों, चलते बाहर। ये कुछ रोड मैप है यहाँ का। हो गया लंच केएफसी में, वो जिंगर बर्गर कॉम्बो लिए थे। तो दोस्तों ये स्काई कैब वाला वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आपको सब इन्फॉर्मेशन दे दिए, जो हम लोग ने लिया था वो लिया था 89 रिगेट्स का स्काई ब्रिज कॉम्बो करके, 5 कॉम्बो है अलग अलग। सो ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आए, अगर आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। सो मिलते फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा।